तो दोस्तों, आज हम जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। यह युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था। पानीपत, जो आज के भारतीय राज्य हरियाणा में है, वहाँ पर यह युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। यह एक प्राचीन समय का ऐसा युद्ध था जिसमें प्रथम बार बारूद आदि का इस्तेमाल भी किया गया। यह हुआ था काबुल से आए तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि मुगल शासक बागर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रथम भारतीय मुगल सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उसकी सेना भिड़ी थी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी से, जो कि लोधी साम्राज्य का था। हालांकि लोधी की सेना भी बहुत ताकतवर थी, परंतु बाबर के पास बहुत से बारूद और अग्नि उगलने वाले अस्त्र थे, जिनकी वजह से उसने लोधी को हरा दिया। और अगर हम अंग्रेजी तारीख की बात करें तो यह 21 अप्रैल को हुआ था। पानीपत एक हरियाणा में एक छोटी सी जगह है जहां पर यह युद्ध हुआ था। और पानीपत एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा युद्ध हुए हैं और बहुत निर्णायक युद्ध हुए हैं, जिन्होंने सत्ताओं को पलट दिया था। इसलिए पानीपत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यह प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब 2018 है, अर्थात आज से करीब 500-600 साल पहले की बात है कि ये युद्ध हुआ था। 500 साल पहले की बात है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें इस चैनल से और हमें अपना समर्थन देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।